हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिश टीवी का जो एंटेना होता है उसमें दोस्तों, यदि हम फ्री डिश का सिग्नल मिलाना चाहे तो उसमें स्क्रू एंगल कितना होना चाहिए LNB का। तो आप देख सकते हो LNB का स्क्रू एंगल दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें जीरो है, LNB में जीरो और LNB कलम में भी जीरो है। तो दोस्तों, LNB का स्क्रू एंगल जो होता है डीडी फ्री डिश का, वो दोस्तों -25 से 30 के बीच में होता है। तो आप देख सकते हो LNB को हम लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे थोड़ा, तो आप देख सकते हो इसमें -25 की तरफ, तो इसमें दोस्तों डीडी फ्री डिश का सिग्नल हमको परफेक्ट मिल जाएगा। आप देख सकते हो जीरो के सेंटर में -25 डिग्री में हम LNB को कर लिए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा -25 डिग्री में दोस्तों, 25 से 30 के बीच हमको कर लेना, इससे हमको डीडी फ्री डिश का सिग्नल मिल जाता है। और दोस्तों, इसके साथ ही यदि आपको डिश टीवी का भी सिग्नल मिलाना है तो उसमें भी आप सिग्नल मिला सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।